हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूनिंग कीज म्यूजिक एकेडमी। मैं असल फरमान और मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे नाम से एड्रेस दें। दैट क्लियर? यस सर। गुड। एक बिगनर से प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में म्यूजिक को लेकर जो भी फिलोसफी आइडियाज हैं, फिलोसफीज हैं, प्लीज दरवाजे के बाहर। म्यूजिक का मतलब सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होते। इज दैट क्लियर? Listen, don't be surprised. यहाँ पर मैं आपको म्यूजिक के बारे में अच्छी बातें नहीं सच्ची बातें बताने वाला हूँ। और सच ये है, या तो आप में टैलेंट है या नहीं। अगर है तो आप उस पर और मेहनत करके उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे नर्चर कर सकते हैं, और वो मौका आपको ये एकेडमी देगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि म्यूजिक एक एहसास है जिसे म्यूजिक एक फीलिंग है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं जो अभी अभी हमने क्लास में महसूस किया है। स्टूडेंट है जो अभी अभी लेट क्लास में शोर मचाते हुए एंटर हुई है, अगर वो सेटल डाउन हो गई हो तो कैन वी प्लीज रिज्यूम आवर क्लास। लिसन, डोंट बी शॉक, और तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो और मैं देख रही हूं। तो अगर तुम्हारे सारे फिजूल के सवाल खत्म हो गए हो तो विल यू प्लीज गेट अ सिट डाउन। सिट डाउन। नाम क्या है तुम्हारा? नाम दृष्टि। दृष्टि तो मेरे पास नहीं है। यू नो इट? मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? हाँ? नहीं, आई एम सॉरी बट मेरा नाम दृष्टि है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद। एनी विच वे, आज हम सिर्फ म्यूजिक को सुनेंगे और अपने अपने फीडबैक देंगे, अपने अपने रिव्यूज देंगे और हम क्या महसूस करते हैं म्यूजिक। Is that clear? Yes, sir. Let's start. तुझे अपने म्यूजिक टीचर पे क्रश तो नहीं हो गया? किसके? कहीं तुझे अपने म्यूजिक टीचर पे क्रश तो नहीं हो गया? कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं? नहीं। क्यों नहीं? इतना अच्छा रिश्ता है, लड़की सुंदर है, अच्छे खानदान की है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एग्जैक्टली मां, आई मीन सुंदर सुशील घरेलू लड़की, नाक नक्षत्र बिल्कुल बराबर, पढ़ी लिखी भी है, बस ढूंढ रही है एक करोड़पति लड़का। लड़का अंधा हुआ तो भी चलेगा, बट शादी के बाद ना, शादी के बाद हम बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा करेंगे जो खेल कूद सके, दौड़ भाग सके और बराबर से देख भी सके, है ना? फॉर गॉड सेक अरमान, तुम जंग से अंधे नहीं हो, तुमने अपनी आंखें एक्सीडेंट में खोई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? और आप अपने आंसुओं से छुपा नहीं सकते। हाँ जी गुप्ता जी, मैं बस आपकी बेटी के बारे में ही बात कर रही थी। कहिए। लेकिन उस दिन आप ही ने आगे से अरमान का हाथ मांगा था। एक और रिजेक्शन। आखिर
आखिर माँ कब समझेगी यार, अच्छी खासी नॉर्मल लड़की जैसे अंधे से क्यों शादी करेगी। आई होप मॉम गेट्स इट। धुन कब कंप्लीट होगी पापा? बेटा मुझे भी मालूम है ये धुन कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा करते हैं दोनों मिलके ट्राई करते हैं। ठीक है पापा, यस। चलो चलो स्टार्ट। आप ये धुन अधूरी छोड़ के चले गए पापा। यश ये धुन मैं पूरी कर पाऊं। यहां पर तो ताला लगा है, अकेडमी अभी तक खुली नहीं। मैंने सोचा जल्दी आकर प्रैक्टिस कर लूंगी। मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन के क्या कर रही है? I'm really sorry. वो मैं बाहर से गुजर रही थी तो आपकी धुन सुनकर अंदर आ गई। By the way, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। जानता हूँ दृष्टि, जिसका नाम मुझे पसंद नहीं और तुम पूरे 10 मिनट पहले हो। जान सकता हूँ क्यों? अरे पर आपको कैसे पता चला मैं अंदर आ गई? नंगे पांव और ब्रेसलेट उतारना याद रहा, पर परफ्यूम लगाना नहीं भूली। वैसे वो कौन सी धुन बजा रहे थे और आपने इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दी? मेरे पास कुछ आइडियाज है, मैं हेल्प करूं? एक्सक्यूज मी। अरे हाँ, आप मुझे फॉलो करो, मैं अच्छे आइडियाज देती हूँ। हाँ स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट लाइक दैट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे केबिन में? हाँ तुम्हारे क्लास साल होने में बहुत टाइम है ना, और तुम ये इतना जल्दी क्यों आई? आप भी तो इतनी जल्दी आ गए। लो, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। समझ में आया? अरे पापा मुझे पता है आपकी एकेडमी है और मुझे आपकी एकेडमी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो इसका नाम भी पसंद है। और सच कहूँ तो बहुत सुकून मिलता है मुझे, स्पेशली तब जब ये जगह बिल्कुल खाली, कोई भी ना हो। मेरे नोट्स? हाँ आपके एक एक नोट्स अच्छे से संभाल कर रखूंगी। मेरा मतलब है एक भी नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाएंगी। हाँ बाबा। वैसे वो धुन कौन सी थी आपने बताया नहीं? तुमने पहले कभी म्यूजिक सीखा है? हाँ गाती हूँ मैं। गाओ। क्या? Precisely, गाओ। मैं 5 साल की उम्र से गाना गा रही हूँ। गाना naturally आता है मुझे, ना कोई चैलेंज ना कोई हार्ड वर्क, इट्स वेरी सिंपल। इधर आओ। जी अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो।
देखो जो तुम्हें नेचुरली आता है ना वही करो, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारे हाथ बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है, ये गिटार विटार प्ले करने के लिए बने ही नहीं है, तो ये तुमसे नहीं हो पाएगा, जस्ट लीव इट। एग्जैक्टली, मैं जानती हूँ गिटार बजाना बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो कोशिश भी नहीं कर सकती थी आपके बिना, और इस डिफिकल्टी को ना हम और आप मिलकर पूरा करेंगे। अरे डिफिकल्टी से ऊपर उठने में तो मजा है ना, क्या बोलते हो? तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए गिटार प्ले करना डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया। ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि बिना आंखों के गिटार सीखना या बजाना इम्पॉसिबल है? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? जानती क्या हो? Just stay in your limit and right now get out of my office. Just get out. Anything else? Yes. ये जो सर पे गिटार प्ले करने का फितूर चढ़ा ना, इसे भूल जाओ, कभी नहीं हो पाएगा तुमसे। सॉरी, इतना बड़ा फेवर नहीं कर सकती। और कुछ चाहिए? कम से कम अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Oh yeah, you don't like my name, right? So why don't you suggest me a name? दृष्टि की जगह नैना कैसा रहेगा? Listen, तुम actually मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? क्यों क्यों नहीं कर सकती? मैं आपसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे मैं और लोगों से बात करती हूँ। या फिर आप ये चाहते हैं कि जैसे और लोग आपसे जबरदस्ती अच्छे से बात करते मैं भी वैसे करूं? तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग मुझसे जबरदस्ती अच्छी तरीके से बात करते हैं? अब ये तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। वैसे एक बात होता है, आप मुझसे जैसे बात करेंगे मैं आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करूंगी, आप अच्छे से बात करेंगे मैं भी अच्छे से बात करूंगी, और फिलहाल आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। सो टू हेल्प विद यू, व्हाट? बाय दृष्टि। दृष्टि कम है। सबको अपनी गिटार स्किल्स का डेमो देना बंद करेगी, घर जाके बजा लियो। मुझे यही प्रैक्टिस करनी है, तुझे कोई प्रॉब्लम है? सर आप? अरमान, तेरा टीचर। सर आज आप हमारे लिए परफॉर्मेंस करोगे ना? सर तुम जानते हो ना मैं लाइव परफॉर्म नहीं करता। इट्स ओके सर। शो ऑफ, दूसरों की धुन चुराते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? धुन चुरा नहीं रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ तो वो धुन प्रैक्टिस करो जो कंप्लीट हो। धुन कंप्लीट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे आपने कंप्लीट करने की कभी कोशिश ही नहीं। अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे धुन बनाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। राइट, मेरे लिए नहीं पर आपके लिए तो है। आपने सबको गलत प्रूफ कर दिया, आपने साबित कर दिया
कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि हम कंप्लीट हैं, हमारा आर्ट कंप्लीट होना चाहिए। यू नो व्हाट, आप अपनी म्यूजिक से सबको इंस्पायर कर रहे हैं। लाइव परफॉर्म नहीं करना चाहते, सबके सामने नहीं बजाना चाहते, ये आपका डिसीजन है। बट यू नेवर नो, आज आपके यहाँ परफॉर्म करने से किसी ऐसे को इंस्पिरेशन मिल जाए जो लाइफ में गिव अप कर चुका। किसी बात पे यूं है मुलाकात पे, सर्दी की धूप और धीमी बरसात पे, कि छोटी छोटी खुशियों पे दिल मारे छलांग, मारे छलांग, कि छोटी छोटी खुशियों पे दिल मारे छलांग, मारे छलांग, छोटी छोटी खुशियों पे दिल मारे छलांग, मारे छलांग, कि छोटी छोटी खुशियों पे दिल मारे छलांग, मारे छलांग। यू सैंग ब्यूटिफुली। कब तक मुझे ऐसी घूरती रहोगी? Actually, मेरी मॉम भी मुझे ऐसी घूरती है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सपोर्टिव मॉम है। हाँ, मॉम ने ही मेरा म्यूजिक टैलेंट डिस्कवर किया था, उसके बाद डैड मुझे सिखाने लगे। खैर, तुम अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। मैं दिल्ली से हूँ, माँ पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिला बिताने का। फिर मामा जी के साथ रहने लगी, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। फिर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगिंग करूं, लाइव परफॉर्मेंसेस करूं, कुछ एड जिंगल्स के लिए भी गाया मैंने। कमाई अच्छी खासी हो जाती थी, पर मेरा मन नहीं करता ये सब करने, क्योंकि 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 वो सब कुछ बहुत आसान। तुम भी अजीब हो यार। लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस है वो आसान हो जाए, और यहाँ एक तुम चैलेंजेस का है, मैं उन्हें ढूंढ के निकालूं। अब नाइस कॉफी। चलो ये बताओ, तुम्हें पहाड़ पसंद है या समंदर? समुद्र, क्योंकि समुद्र की उठती गिरती लहरों को मैं घंटों तक सुन सकता हूँ। मुझे मुझे पहाड़ पसंद है, वहाँ एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे। कोई भी कंफ्यूजन हो ना दिमाग में, सब क्लियर हो जाता है। दृष्टि अरमान को बिल्कुल अपने जैसा समझने लगी, जस्ट लाइक द वे शी, और दृष्टि ने किसी भी सेंस में अरमान को यह फील नहीं होने दिया कि वो बाकी के लोगों से थोड़ा अलग या किसी भी चीज में थोड़ा कम। इनफैक्ट अगर दृष्टि के नजरिए से देखा जाए तो अरमान तो दृष्टि से खुद और बाकी सारे लोगों से बहुत आगे। शी वाज इन ऑफ अरमान, और अरमान के लिए क्या था? अरमान के लिए दृष्टि वो दोस्त थी जिससे वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी शेयर कर सकता, द फ्रेंड इन नीड। लेकिन क्या इससे ज्यादा इन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता? टाइम बोलता है।
एक मिनट, तुम्हें पता है अरमान, मैंने कहीं पढ़ा है कि जो लोग जन्म से नहीं देख पाते हैं या जिनकी आंखें एक्सीडेंट्स वगैरह में चली जाती है, वो बहुत सारी विजुअल्स, बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं अपने दिमाग में। तुम्हें पता है तुम कैसे दिखते हो? मेरा मतलब है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी नाक, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें। मैं बताती हूँ। क्या बोल रही हूँ? मुझे कुछ समझ में आ जाएगा। चलो देखो छोकर कितने स्मूथ है ना, सॉफ्ट, पर कुछ ज्यादा ही सेट। स्टी प्लीज। अरे दैट्स बेटर। हमेशा क्या जिल लगा कर ऐसे सेट करके रखते हो? अच्छे नहीं लगते, बोरिंग है। तुम्हारे बाल ऐसे हो रही, कितने अच्छे लग रहे तुम्हारे बाल, परफेक्ट। तुम्हारा माथा बहुत चौड़ा है, कुछ ज्यादा ही सोचते हो ना तुम। तुम मेरा रीड कर रही हो? जी नहीं, फेस रीडिंग नहीं कर रही, तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। अभी अभी बहुत कुछ है। रिलैक्स दृष्टि, प्लीज। नो दृष्टि, प्लीज। कुछ नहीं होगा अरमान, जस्ट रिलैक्स। नो, लुक एट मी, देखो कुछ नहीं होगा। नो दृष्टि, प्लीज। नो, मेरी तरफ देखो, प्लीज प्लीज, मेरे लिए। एकदम बड़ी बड़ी काली जिनमें एक बच्चे की नजर से, जो अपना डर सबसे छुपाती, पर है बहुत अच्छी। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, क्या तुम अपना चेहरा, अपना फोरहेड, अपनी आंखें, अपनी आंखों की गहराई तुम सब देख सकते हो? मैं खुद को देख तो नहीं सकता, 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 पर तुम्हें महसूस जरूर कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। और कब तक मुझे ऐसे ही देखते रहोगे?
बचाना तो तुम्हें अभी भी नहीं आता। अरमान ये तो पापा का घर, अब ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा गुड लक लेकर आएगा। अरमान, बहुत देर हो गई आज, कहाँ थे? मॉम वो नमस्ते आंटी। मॉम ये दृष्टि है। मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई अरमान, तुम्हें सोना चाहिए। जी मॉम। Yeah, you're right. अरमान बहुत देर हो गई है, मुझे भी अब जाना चाहिए। गुड नाइट अरमान, टेक केयर। उस लड़की के साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। कौन? दृष्टि। सब कुछ पता कर चुकी हूँ उसके बारे में। कुछ तो खिचड़ी पक रही है उसके दिमाग में, तभी तो तुम्हारे साथ इतनी घुल मिल रही है। मॉम आप क्या बोल रहे हो? सही कह रहे, वो ठहरी अनाथ और तुम रिच एंड फेमस। उसके पास ना नाम है ना पैसा है, यहां तक कि उसकी अपनी फैमिली नहीं है। वो बस अपना मतलब निकाल रही है। और तुम्हें पता है आज तक जो भी मैं कहती आ रही हूं सब सही है। अरमान मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है बेटा? आप गलत सोच रहे हो। अब एटलीस्ट एक बार दृष्टि से मिलके तो देखो। मिल चुकी। तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसलिए कह रही, वो तुम्हारा भला नहीं चाहती, उसको सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है। Why don't you understand? दृष्टि से मिलकर आए? हाँ, और उसको कहकर भी आ रही हूँ कि वो दोबारा तुमसे ना मिले और ये जो प्यार का नाटक कर रही है ना वो बंद कर दे। Mom, how can you do this to me? अपनी इतनी बड़ी बात मुझे छुपा के रखी? माँ जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है। माँ अरमान तुम उस कल की आई हुई लड़की के लिए मुझसे आग्यू कर रहे हो? कल की आप बिल्कुल गलत सोच रही हो। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मेरी भी एक बात सुन लो। अगर तुम्हें उस लड़की का साथ देना है तो तुम्हें अपनी मॉम का साथ छोड़ना पड़ेगा। डिसीजन इज योर्स। अरमान, दृष्टि, अरमान,
तुमसे मिलने आई थी। बोलो क्या बोला तुमने? रह पाओगी मेरे बिना? नहीं सकता पर तुम्हें महसूस जरूर कर सकता हूं। पर ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये साफ बता रहे हैं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। देखो गिटार बजाना तो तुम्हें अब तक नहीं आता भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं कि तुम जब भी कोई धुन मिस करो तो मैं उसे कंप्लीट करूं और जब भी कोई मेरी धुन अधूरी रह जाए तुम आकर उसे कंप्लीट करो। बोलो क्या क्या तुम मेरा साथ दोगी? देखो दृष्टि तुम्हारा नाम तो मुझे अभी भी नहीं पसंद। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं। जानना चाहती हो ना मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सब कुछ छोड़ के आ गया और यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मॉम ने एक चॉइस रखी थी कि या तो मैं उन्हें चुनूं या फिर तुम्हें और दृष्टि और मैंने तुम्हें चुना है दृष्टि। चलो मेरे साथ। पर कहाँ दृष्टि? चलो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? एक माँ बेटे को अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ पर मेरा प्यार मतलब ही नहीं कि एक माँ से उसके बेटे को छीन ले। अरमान पर सबसे पहला हक आपका है और हमेशा रहेगा। I'll miss you, Arman. Drishti, please. No. Bye. Drishti, listen, please. Please, Arman. मुझे रोकने की कोशिश मत करो, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। दृष्टि!
कौन? क्या यहाँ पर? सही पहचान। मैं वही जिसका नाम भी पसंद नहीं है। हाँ, पर जिसे प्यार भी मैं बहुत करता हूँ। I missed you a lot, Drishti. I missed you so much. कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम? कश्मीर, हिमाचल, जहाँ पर पहाड़ है। और मैं मिली भी तो यहाँ समंदर की भी। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा।